First time ever, that is the LED headlight. Sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause हम पूरा मरोड़ दिया हमने एक्सेलेटर का, पहला गियर 60, दूसरा ऑलमोस्ट 95, तीसरा 120, चौथा तो कैसे मेरे प्यारे बस वाले भाई लोग, और ये मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650, और ये मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से भेजी गई फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द बाइक, एंड आज हम इसका करेंगे फुल डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। सबसे पहले इसका एक वॉक अराउंड लेके बताएंगे बाइक की देखने में कैसी, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इस पे स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद इसको लेके चलेंगे एक राइड रिव्यू पे और करेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, बाइक चलने में कैसी परफॉर्म करती है एंड एवरीथिंग इन डिटेल। और उसके बाद आकर इसका हम देंगे अपना वर्डिक्ट बाइक की पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर को 3 मॉडल्स में कंपनी ने निकाला है, और ये वाला जो मॉडल है ये टॉप एंड मॉडल है सेलेस्टियल, एंड इसमें 2 कलर आते हैं, ये रेड एंड ऑफ वाइट एंड और ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर। और ये टूरिंग टाइप मॉडल है एक तरह से, इसमें विंडस्क्रीन लगी आती है, सीट जो है टूरिंग टाइप अच्छी कम्फर्टेबल है, और बैकरेस्ट लगी आती है। जो प्राइसिंग जो है सुपर मीटियोर 650 की, वो 354,000 एक शोरूम शुरू होती है फर्स्ट मॉडल की, और टॉप एंड मॉडल की जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ 384,000 रुपीज़ की। और आप प्राइसिंग जो है अपनी सिटी और स्टेट में कंफर्म कर सकते हैं। ऑन रोड प्राइसिंग जो टॉप एंड मॉडल जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसकी प्राइसिंग आती है 442,000 की दिल्ली के अंदर, और अगर आप प्रोटेक्शन के साथ लें तो 10,000 एक्स्ट्रा ऐड करके 452,000 रुपीज़ की आती है। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते प्यारे भाइयों, एक जल्दी से क्विक वॉक अराउंड लेते हैं बाइक का। बाइक को सबसे पहले आगे से दिखाते हैं, और जो सबसे पहला चेंज रॉयल इनफील्ड ने किया है फर्स्ट टाइम एवर, दैट इज़ दी एलईडी हेडलाइट। ये देख लीजिए, दिस इज द एलईडी हेडलाइट, एंड राइट इन द सेंटर यू हैव द आरई लोगो जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और दिस इज एल्यूमिनियम फिनिशिंग के अंदर जो है रिंग है, और अंदर भी एल्यूमिनियम फिनिशिंग में दिया गया है सेंटर के अंदर पार्टीशन। एंड कैसी लग रही है आपको ये लाइट, और जो इंडिकेटर हैं दोज आर नॉट एलईडी, दीज आर नॉर्मल हेलोजन बल्ब, मगर आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं एलईडी वाले। दूसरा सबसे बढ़िया चेंज जो रॉयल एनफील्ड लेके आई है, दैट इज़ दी यूएसडी फोक्स 43mm की, एंड दिस इज ऑन द सुपर मीटियोर, और ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो ये यूएसडी फोक्स सस्पेंशन है, दिस इज शोवा की, ये प्रीमियम क्रूजर बाइक है, तो भाई इसमें प्रीमियम सस्पेंशन फ्रंट वाली दे दी है रॉयल एनफील्ड में, दैट इज आई लाइक डेट। फ्रंट फेंटर जो है मेटल का है, जो ये फेंटर को होल्ड करता है, यूजली ये अंदर होता है बाइक्स में, बट इसमें बाहर निकाल के इन्होंने अच्छा शो करा है, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग, एंड दिस इज इन एल्युमिनियम फिनिशिंग के अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कि सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है, और अगला डिस्क साइज इज 320mm का। फ्रंट वाले अलॉय व्हील्स हैं, वो हैं 19 इंच के, टायर सेक्शन है 190/19 का, और ये ब्रेक कैलिपर्स जो लगे हैं ये बाबरी के लगे हैं। ये है आपका ऑयल कूलर रेडिएटर, क्योंकि दिस बाइक इज ऑयल कूल्ड। ये वाला पार्ट और यहाँ पे हैंडल पे और यहाँ पे, ऑल दीज पार्ट्स एल्यूमिनियम के हैं, बट दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग। यूजली मेटल में डालते हैं, कलर में डालते हैं, वो शो नहीं करता, बट दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग विच आई लाइक्ड मैन। साइड प्रोफाइल देख लीजिए बाइक की, आपको कैसी लग रही है, अमेजिंग मैन। दिस इज 650 टू सिलेंडर पैरेलल ट्विन बाइक, तो सेम इंजन है जो आपको इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT में देखने को मिलता है, ये सेम इंजन है जो इसमें डाला गया है। टैंक पे रॉयल एनफील्ड का बैज देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर रहा बड़ा सा, एंड टैंक भी ह्यूज सा है, एंड द कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग। क्रूजर बाइक है, तो जो इसका फुट पैग है वो थोड़ा सा आगे दिया गया है ताकि आपको रिलैक्सिंग मोड मिले, एंड दिस इज़ द मास्टर सिलेंडर
थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिली हुई है इसको बचाने के लिए। मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें लगा है 648 सीसी का टू सिलेंडर पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 47 bhp की आउटपुट एट 52.3 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। 6 गियर हैं बाइक के अंदर। लुक एट दिस लोगो मैन, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जो साइड पैनल है इसके ऊपर सुपर मीटियर लिखा हुआ है। बाइक में 15.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। सीट हाइट इसकी 740 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी दैट इज 135 mm की। और जो बाइक का कर्व वेट है दैट इज 241 kg का। भारी बाइक है यार ये। पार्ट भी जो है दिस इज ऑल मेटल, ये भी मेटल है, आई थिंक दिस इज प्लास्टिक। और दिस इज योर फुट पेग पिलियन का। और ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट आ रहा है। ये है इसके पिछली सस्पेंशन प्री लोड, बट आई थिंक ये कुछ एडजस्टेबल दिख रही है मेरे को। ये 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक दिस इज 5 स्टेप एडजस्टेबल ये प्री लोड जो है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो दिस आई थिंक 5 स्टेप एडजस्टेबल। बाबरी की डिस्कैलिपर्स है। पिछला डिस्क साइज 300 mm का। ये ABS दिख रहा है। मैं पिछले टायर की बात करूँ, इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ट्यूबलेस टायर्स हैं और टायर सेक्शन इज 150/80/16 का। अगला 19 इंच का है, ये 16 इंच का। दिस इज टूरिंग सीट लेदर की। यहाँ पे लोगो है, आप जब बैठोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा है। और ये पिलियन के लिए। और ये बैकरेस्ट कुशनी है। और पीछे भी गाड़ी का लोगो दिया गया है। दिस इज़ ऑल लेदर। और ये प्लास्टिक है। ग्रैब हैंडल जो दिया गया है दिस इज़ प्लास्टिक का। ये देखो टूरिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। पीछे आता हूँ तो पीछे से भी लुक्स देख लो बाइक की। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का स्टिकर है। LED बैकलाइट दी गई है। और ये जो है इसके इंडिकेटर्स हैं। और ये लाइसेंस प्लेट यहाँ पे लाइट दी गई है। और यहाँ पे भी कुछ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और ये भी मेटल का फेंडर है। यहाँ पे ये साड़ी का दिया गया है, दिस इज़ मेटल का। ये भी मेटल का है। ये हाफ चेन कवर दिया गया है बट दिस इज़ प्लास्टिक का। ये स्विंग आर्म है इसका। दिस इज़ द फुट पैग विच हैज गॉट रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग ऑन इट। और ये साइड कवर, इस साइड कवर में भी कुछ दिया गया है, आपको बताता हूँ। यहाँ से भी लुक्स देख लीजिए कैसी है। गियर पेडल डुअल है। बाइक में साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड बोथ आर बीन गिवन। साइड स्टैंड लगाने के लिए यार ये काफ़ी बड़ी सपोर्ट दी गई है। ये देखो ये यहाँ तक आता है। मेरे को लग रहा है इसको थोड़ा सा और बना रहना चाहिए। कई बार आप जब बैठते हो ना, जो मेरे को फील हुआ जब इसको मैंने थोड़ा सा चलाया लगाने के लिए, साइड स्टैंड लगाने के लिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मेरे को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टॉल विंडस्क्रीन है ये इस मॉडल में फिटेड आती है। तो अब आते हैं लीवर्स पे। तो भाई ये जो लीवर्स हैं दीज आर बिगर वंस एंड प्रीमियम वंस एंड दीज आर एडजस्टेबल। ये देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देख लो। दीज आर एडजस्टेबल लीवर्स। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप लीवर को सेट कर सकते हो। ग्रिप्स भी रॉयल एनफील्ड एम्बॉस्ड है और ग्रिप जो है रबर जो है अच्छी क्वालिटी का है। और बार हैंडल जो है वो भी एक तरह से एल्यूमिनियम फिनिशिंग में अच्छी क्वालिटी का। चीज पे आता हूँ तो लुक एट दिस मैन, क्या प्रीमियम क्वालिटी दिख रही है यार। फिट एंड फिनिशिंग इधर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है एंड ओवर हियर ऑल्सो ऑन दिस साइड हाई बीम लो बीम। और ये पास का और ये इंडिकेटर का और ये सिंगल हॉर्न PP का। और ये वाला मोड वाला बटन है पीछे जो दिया गया। तो दिस इज द किल स्विच और इग्निशन का है। और ये है आपका हैजार्ड का, क्योंकि बाइक में हैजार्ड सिस्टम दिया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चाबी लगाई तो लुक एट दिस। तो बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे है ये पहली भी बाइक्स में दे दिया गया है। जैसे इनका मीटियोर है और हंटर में भी सेम मॉडल दिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। तो दे शुड हैव गिवन समथिंग डिफरेंट आई वुड से। एक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और आप अपनी फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके थ्रू दी ऐप यहाँ पे नेविगेशन के सारे सिग्नल्स आ जाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दैन दिस इज़ दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स हैं, दैट इज़ दी आप देख सकते हैं लो फ्यूल का है। देन दिस इज़ दी बैटरी का, ABS का, न्यूट्रल का। दिस इज़ दी मैल फंक्शन ऑयल का। जब मैं इसको ऑन करता हूँ ये देखो आरी का लोगो बना आता है। हेलमेट बनी आती है बिल्ट विद गूगल, ऐसे कुछ आता है टिपर नेविगेशन पे। तो ये ऊपर आती है स्पीड, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। यहाँ पे आती है आपकी फ्यूल गेज, ये चाबी बनी आ रही है। दिस इज़ फॉर द सर्विस इन का इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पे आता है टाइम, यहाँ पे इको मोड लिखा आता है। अगर आपकी गाड़ी इको पे अगर चल रही है नॉर्मल, अगर आप खींचोगे तो ये हट जाएगा। ये गियर इंडिकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे आपका ओडोमीटर दिया गया है।
जो मैंने बताया था, ये वाला बटन जो मोड का है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये आ गया ट्रिप ए, इसको दबाया दोबारा ये ट्रिप बी, और ये आएगा ट्रिप एफ। जो ट्रिप एफ तब आएगा जब आपका लो फ्यूल इंडिकेशन, जैसे वो ब्लिंक कर रही है ना, लो फ्यूल है इसके अंदर तो ब्लिंक करना शुरू हो गया ना, तो ट्रिप एफ आ जाएगा। कंपनी ने सुपर मीटियर 650 में यूएसबी पोर्ट दी है, मगर दी कहाँ पे है ये देखो, दी यहाँ पे है साइड पैनल पे। ये रही इसकी यूएसबी पोर्ट। तो यार मेरे को समझ नहीं आई ये इसका यहाँ पे देने का क्या फ़ायदा है। आपको सुपर मीटियर 650 की एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ, और ये ऑन ही है। कैसी रही एग्जॉस्ट की आवाज़ कमेंट में बता देना। मैं हैंडल पे मिरर्स पे आता हूँ तो भाई इसकी क्वालिटी क्या बात है यार, बड़ी सही लग रही है मेरे को, एंड आई एम सरप्राइज। इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे तब इसको देखेंगे कि भाई ये मिरर्स हिलते हैं कि नहीं वो वाइब्रेशंस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स में इसकी थोड़ा सा इशू रहता ही रहता है, बट लेट्स सी। बाकी जो हैंडल है वो काफ़ी ब्रॉड है इसका, लुक एट दिस। और बाइक भी जो है पीछे से अगर ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी बड़ी लगती है, इट्स अ बिग बाइक मैन, यस इट इज़, एंड बट स्टिल लुक एट दिस बाइक हाउ इट इज़ लुकिंग, ग्रेट मैन। सेफ्टी फीचर दिया गया है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, तो अगर आपकी गाड़ी गियर में है और आपने साइड स्टैंड लगा दी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ सुपर मीटियर 650 की, कंपनी क्लेम करती है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स के करीब, 24 से 26 किलोमीटर बोलते हैं, 25 लेकर चलिए रफली, एंड बाकी रियल टाइम तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कमी आती है। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियर 650 को आप अपनी लोकल राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और टूरिंग के लिए तो ये ऑब्वियसली बनी है, मतलब मीन्स इसको लेके जाइए हाईवे के ऊपर और राइड करिए एंड ऑल क्रूज करिए, मज़ा देगी। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 160 to 170 क्लेम करती है, बाकी वेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी कितनी टॉप स्पीड आती है। खैर भाई हम बाइक को लेकर चलते हैं इसके परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए, एंड नेक्स्ट शॉट आप मेरे को बाइक के ऊपर। सो घर से निकल रहा हूँ राइड रिव्यू करने के लिए। अगर मैं बाइक की मनूवरेबिलिटी की बात करूँ तो यार ये भारी बाइक है, तो इट्स नॉट इजी टू मनूवर देखो, एंड बाकी वेट ज़्यादा है, तो इस करके ये जो गाड़ी है ये चिपक के चल रही रोड पे, टायर्स अच्छे हैं। सो अभी चेक कर लेते हैं ये इसकी सस्पेंशन कैसी है, अगली और पिछली गड्ढों में से निकलेगी तो कैसा फील होता है आपको, क्योंकि ये सारे रोड कंस्ट्रक्शन वाला और पर्पसली मैं इधर से आया हूँ। अब ये देखो पर्पसली इसके ऊपर से निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे देखो रोड बिल्कुल है ही नहीं है, ये देखो अभी इधर से निकालूंगा टांग के। सस्पेंशन जो है इसकी चेक हो रही है, सही है यार, ये देखो एक तरह से ऑफ रोडिंग ही हो रही है मेरी। जो इसकी सस्पेंशन है अगली और पिछली वो मेरे को सॉफ्ट लगी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट यस जो पिछली सस्पेंशन है जैसे मैंने पहले दिखाया कि 5-step एडजस्टेबल है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको आप सेट कर सकते हो, एंड नॉट बैड, बट ये है कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है एंड इसलिए गाड़ी थोड़ी और नीचे को दब के चली है। बाकी जिन लोग भाइयों का वेट कम है तो उनको कैसा फील होगा, आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। तो मेरा स्टांस देख लीजिए, मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हैं और हाथों को पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आ रहा, एंड अपराइट पोजीशन में बैठा हूँ, रिलैक्सिंग के लिए क्रूजिंग बाइक है। और दूसरा यह है कि इसके मिरर्स जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टडी, पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट नहीं मार रहे हैं। एक मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई ये वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। ये देखो गाड़ी से मैं न्यूट्रल पे ये डाला, पहला गियर खींचा मारे, ये लो कानपुरा में रोड़ दिया मैंने एक्सीलेटर का, पहला गियर 60, दूसरा ऑलमोस्ट 95, तीसरा 120, चौथा 130, आगे ट्रैफिक लाइट आ गई और ये लगाई मैंने अगली और पिछली ब्रेक, और वाह एबीएस क्या शानदार काम करता हुआ। जो इसका
लो और मिड है, मतलब पहला दूसरा तीसरा गियर क्या खींचा है, चौथे पे आके इसकी सांस बुलनी शुरू हुई मगर मेरे को ब्रेक मारनी पड़ गई। बट यस, लो और इसका मिड बहुत बढ़िया है। बाइक की सीट हाइट जो है 740 mm की है और देखो मेरे पैर जो है ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। मेरी हाइट जो है 5'10.5" है। जिन भाई लोगों की हाइट अगर 5'5'5'4" भी है वो भी इस गाड़ी को चला लेंगे, बट मैं ये बोलूँगा कि शोरूम में जाके विज़िट करिए, इसके ऊपर बैठ के देखिए एंड मेक योर ओन डिसीजन। अरे वो आराम से निकल गई। तो मैं बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ सिटी के अंदर, ताकि आपको पता चले कि आप सिटी में जब चला रहे हैं ट्रैफिक के अंदर तो बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। यस, यू कैन डू लेजर राइड्स आल्सो ऑन दिस बाइक, जैसे होती है ना शाम वाली या संडे राइड या ऑब्वियसली हाईवे तो बनाई इसी के लिए, क्योंकि क्रूजर बाइक है तो उसको हाईवे राइडिंग पे लेकर जाइए या टूरिंग पे लेकर जाइए, दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर दिस बाइक। एंड बाकी ये है कि आप जितनी लंबी राइड करोगे तो आपको सीट कंफर्ट मिलेगा ही। यहाँ पे इकट्ठे स्पीड ब्रेकर है, देखना कैसे आएंगी। ये देखो ये इकट्ठे स्पीड ब्रेकर है, तो हल्का सा भी नहीं पता चला कि भाई स्पीड ब्रेकर आए, निकल गई बाइक उसके ऊपर से। तो बाइक को आप ट्रैफिक में चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से क्रूज करिए इधर और इधर, पर ध्यान रखिए क्योंकि यार भारी बाइक है। मेरे को इस बाइक का वेट ज़्यादा फील नहीं हो रहा क्योंकि मैं भारी बाइक ज़्यादा चलाता हूँ, तो मेरे को इतना परेशानी नहीं फील हो रही है। बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग आप लोगों के लिए, जो भाई लोगों ने भारी बाइक ज़्यादा नहीं चलाई तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली कि इसको ध्यान से चलाइए। तो ये आया है स्पीड ब्रेकर, थोड़ी सी स्पीड स्लो करी, ये पता भी नहीं चला। और ये थोड़ा सा टर्न है तो मैं बाइक को लटा रहा हूँ, लीन कर रहा हूँ इधर की साइड राइट साइड, और जैसे मैंने सीधा करा तो मेरे को ज़्यादा वेट फील नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि अगर आप बाइक को लीन लेफ्ट पे कर रहे हैं या राइट पे कर रहे हैं, देन व्हेन यू ब्रिंगिंग टू द सेंटर, यार मेरे को पर्सनली वेट नहीं फील हुआ। मैं जैसे मैंने पहले बोला है कि यार मैं भारी बाइक चलाता हूँ, मगर आप सबके लिए तो ये होगा, जो भाई लोग भारी बाइक नहीं चलाते हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे, तो उनको सेंटर में लाने में थोड़ा सा वेट ज़रूर फील होगा। बाइक टॉप गियर पे छठे गियर पे है और बाइक के जो गियर हैं वो मक्खन मलाई की तरह डलते हैं और निकलते हैं। ये देखो ये देखो, ये एक पे आ गया, ये देखो छठे पे आ गई, गियर इसके मक्खन मलाई की तरह डल रहे हैं, निकल रहे हैं। ट्रांसमिशन इसकी बहुत इंप्रूव करी है, बहुत अच्छी क्वालिटी कर दी है रॉयल एनफील्ड ने, आई एम इम्प्रेस। अगर आप बाइक को ज़्यादा स्पीड पर चला रहे हैं ना तो एक नुकसान ये है कि यहाँ से ना विंड सीधी आपकी हेलमेट पे आके टकरती है। टूरिंग वाइजर जरूर है, जो एक कट है ना बीच में से हवा वेंट दिया हुआ है छोटा सा, ये सीधा हेलमेट पे लाके हवा मारता है, तो वो थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा है। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर के तीन मॉडल, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल, सात कलर्स में बाइक आती है। मतलब जो सबसे पहला वाला मॉडल उसमें तीन कलर, फिर दो कलर, और ये टॉप एंड मॉडल सेलेस्टियल इसमें दो कलर। एंड बढ़िया है, आप शोरूम जाके विजिट करके देखिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर इसकी शोरूम प्राइसिंग जो है 3,54,000 रुपीज़ से शुरू होती है टू 3,84,000 रुपीज़। आप इस बाइक को जिस मर्जी गियर में हो, जैसे भी हो, आप इसको खींचिए, खींचेगी ज़रूर ये। जैसे अभी हल्का सा मैंने खींचा, पाँचवें गियर पर एकदम ही पिकअप हुई है गाड़ी। साइड पर रोक रहा हूँ और बाइक में एक सेफ्टी फीचर दिया गया है, ये देखिए पहले गियर पे बाइक है, और जैसे ही मैंने साइड स्टैंड लगाया और गाड़ी बंद हो गई है। देखो गाड़ी बंद हो गई है, सेल्फ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्लच दबाया तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पहले गियर में बाइक है। और अब ये देखो, ये मैंने स्टैंड हटाया और क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट। सो दिस इज़ द सेफ्टी फीचर विच इज़ देयर। वार्निंग लाइट्स में थोड़ी सी जगह बची है, तो अगर रॉयल एनफील्ड चाहती तो ये साइड स्टैंड वाला भी उसके अंदर डाल सकती थी इंडिकेशन कि आपके पास साइड स्टैंड लगा है। ये सेलेस्टियल मॉडल के अंदर टूरिंग सीट लगी हुई है, तो सीट जो है काफ़ी कुशनी है, लेदर वाली, कंफर्ट है पूरा का पूरा, पूरी सपोर्ट दे रही है और हल्का सा सपोर्ट जो है आपकी बैक को भी मिलता है। एंड इसको काफ़ी देर से मैं इसको चला रहा हूँ बाइक को, तो मेरे को कोई टारनेस फील नहीं हो रही, नीचे से हार्डनेस नहीं लग रही है, विच इज़ गुड। एंड बाकी आप दूसरे वाले मॉडल हैं उसमें स्प्लिट सीट लगी है, उस पर भी बैठ के देख लीजिए। अगर आपको और एक्स्ट्रा कम्फर्ट चाहिए तो यार आप एयर क्लॉथ सीट लगा सकते हैं। बाइक का टर्निंग रेडियस चेक कर लें, यहाँ ही से कर लेते हैं। ये देखो
अगर आपको छोटा काटना है तो आपको गाड़ी को घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस जो है वो बड़ा है, क्योंकि बाइक जो है भारी बाइक है, इसका हैंडल जो है वाइड है, टर्निंग रेडियस इसका बड़ा है। और एक चीज़ की मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है वो ये कि यहाँ पे यूजली पास का बटन होता है जितनी बाइक्स मैं चलाता हूँ, इसमें इधर है, तो वो मेरे को एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही है। मैं जब भी होता पास का दबाने के लिए और ये मोड का बटन दब जाता, ओहो अरे ये तो मोड का बटन है यार, इधर पास का बटन है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। बट यस, आप रेगुलर चलाएंगे तो यार आपको आदत बढ़ जाएगी इस चीज़ की। दूसरा ये है कि जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही क्लटरी है, छोटा सा है। इसको रॉयल एनफील्ड अगर चाहती थोड़ा सा और बड़ा कर सकती थी, इसके अंदर आप डिस्टेंस टू एम्प्टी डिजिटल मीटर में दे देते तो बढ़िया रहता। डिस्टेंस टू एम्प्टी का मतलब यह है जितना आपका फ्यूल है इसके अंदर, तो बाइक कितनी रेंज और दे देगी। और दूसरा ये है कि रियल टाइम माइलेज अगर दिखा दे तो वही बहुत अच्छा है, और साथ में 100 किलोमीटर कितने लीटर में जा रही है वो भी अगर दे दे, मतलब ये दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, अगर कंपनी दे दे तो यार सोने पे सुहागा हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट। सुपर मीटियर 650 के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जो रॉयल एनफील्ड की ऐप है उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, और जो मैप्स के थ्रू टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। एंड एक और इसका हेडलाइट का टेस्ट करेंगे रात में, इसका थ्रो कैसा है ये देखो, ये उछली गाड़ी बढ़िया लगा यार मेरे को। बाइक में जो लीवर्स दिए गए हैं दीज आर एडजस्टेबल लीवर्स, ये अच्छा काम कर रहा है एंड प्रीमियम है, और विच आई एम लाइकिंग इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी ने दी हैं बहुत ही प्रीमियम दी हैं, फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी कर दी है। और मीटियर 650 का जो कॉम्पिटिशन है डायरेक्ट, वो और ब्रांड्स की जो दो सिलेंडर वाली 650cc की बाइक्स हैं उनके साथ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट बाइक यू विल फाइंड ऑन रोड इन दिल्ली। बाइक इस समय छठे गियर पे है, स्पीड अराउंड 70 की है, ये मैंने हाथ छोड़ दिया है रेस के ऊपर से, इसकी लो एंड टॉर्च चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आके झटका खाती है बाइक। अभी तो चलती जा रही है, छठा गियर चलता जा रहा है, 40 तक आ गया है, ये देखो 40 तक आ गया, अभी तक झटका नहीं आया। 35 तक आ गया है, ओ भाई साहब छठा गियर 30 तरीक, ओहो 30 से भी ऑलमोस्ट हल्की सी नीचे आ गई है बाइक, चलती जा रही है भाई, ये झटका नहीं खा रही। हो 25 से ये आके झटका खाया, मेरे को आराम से इसमें से गियर 2-3 निकालने पड़े ताकि पिकअप हो, झटका ना खाए। ये लो यहाँ ही तीसरा गियर से मैंने इसको खींचा है, ओ भाई साहब वाह क्या बात है, जबरदस्त। और ये साथ में ब्रेकिंग इसकी चेक कर ली, बढ़िया। इस समय मैं चौथे गियर पे हूँ, 40 की स्पीड पे हूँ, तो अगर मैं खींचना मांगू तो यार ये देखो मैंने कान में रोड़ दिया है, ये देखो गाड़ी पिकअप वहीं से उठा रही है, कोई झटका नहीं दिया इसने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई एम लाइकिंग इट मैन। जब आप बाइक को चला रहे हैं लो गियर पे और हल्की सी आप एक्सेलेरेटर को छोड़ते ना तो आपको एग्जॉस्ट की जो आवाज़ होती है ना ऐसे फील होती, सीटियाँ बजती हैं, ये चीज़ मेरे को काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है। आप गाड़ी को तीसरे गियर पे हल्का हल्का चला रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा फील होगा कि हैंडल पे ना यहाँ पे कोने में हल्की सी वाइब्रेशन जैसी फील होगी, मेरे को लग रही है, बट आपको शायद ना हो, बट मेरे को हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये चौथे गियर पे डाली तो मतलब ये हल्की सी वाइब्रेशन हैंडल पे यहाँ पे आ रही है, जिसको बोलते ग्रिप्स के ऊपर, बाकी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नहीं है वाइब्रेशन, यहाँ पे ग्रिप्स पे है। चलाते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, और मैंने ट्रैफिक में भी चलाया, इसको स्पीड में भी चलाया, हर तरीके से। अब बाइक में जो इंजन है ना ये हीट मार रहा है, यहाँ पे ना नीचे क्या हीट बाहर को आ रही है, ओ तेरे दी। लकीली मैं शू पहने हुए हैं थोड़े हाई एंकल वाले ऊपर तक, और पैंट पहनी हुई है, तो मेरे को ये देखो मरना था अभी इसने, तो मैं बच रहा हूँ। बट ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भाई लोग चप्पल पहन के, शॉर्ट्स पहन के या लॉन्ग शॉर्ट्स पहन के इसको मत चलाइए, वरना भाई हीट मार के ना आपके पैरों को ये जला देगी,
दैट इज अ सजेशन। कल मैं और मेरे भैया छोटे से काम के लिए गए थे घर के पास ही, और भैया पीछे बैठे हुए थे, मैं चला रहा था, एंड मैंने फिर बाद में उनसे पूछा कि भाई सीट कंफर्ट कैसा है आप पीछे बैठे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो कोई परेशानी नहीं आ रही, सीट ठीक लग रही है मेरे को तो, एंड दैट्स अ वर्डिक्ट व्हिच ही हैज गिवन, दैट इज गुड। दिस इज अ टूरिंग सीट बेसिकली आई वुड से। रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियर 650 इज एन अटेंशन ग्रैबर। अभी पीछे मैं ट्रैफिक लाइट पर रुका था, कैमरा ऑन नहीं था मेरा, तो भाई ऐसे लोग देख रहे थे इसको, और एक दो ने पूछा भाई ये कौन सी बाइक है, तो मैंने बता दिया भाई ये देखो रॉयल एनफील्ड, ओ ये कौन सी बुलेट वालों ने निकाली बाइक, मैंने कहा भाई सुपर मीटियर 650, देखो मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, ओए घटा दी है मैंने पूरी तरह से, बढ़िया से आहिस्ता आहिस्ता, तो वो हैरान हो गए। बट कह रहे शोरूम में है, मैं कहा हाँ जाके देखो शोरूम में मिलेगी आपको। हेडलाइट है वो AHO है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती है जब आप इग्निशन ऑन करते हैं, दैट इज गुड। ये हिल्स पे कैसे परफॉर्म करके, जैसे आप अथॉरिटी सी क्लाइम चढ़ रहे हो और कैसा परफॉर्म करेगी, एकदम स्टीप वगैरह, कितना गियर निकालना है एंड ऑल, पर ये प्लेन गया तो वो चेक होना ज़रूरी है, मगर वो दैट इज समथिंग अगर आप पहाड़ों वाली राइड पर जाते हो तब होगा। इस रोड से मैं पर्पसली आया हूँ और साथ में ये देखो जान के निकाल रहा हूँ, ताकि चेक करने के लिए कि गाड़ी जो है नीचे लगती तो नहीं, क्योंकि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 135 mm की है, तो मैं वो ही चेक कर रहा, झटके भी नहीं ज़्यादा खाए इसने, सस्पेंशन तो मेरे को सॉफ्ट ही लग रही है। बोलते हैं कि 135 mm बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है, यस देयर आर सुपर बाइक्स उनकी भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होती, मगर वो गड्ढों में से आराम से निकल जाती, बट देयर इज़ अ वे टू टेक आउट द बाइक, और स्पेशली फ्रॉम द स्पीड ब्रेकर्स ऑल्सो थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालो, थोड़ा सा स्लो करा, आराम से निकाल ली तो गाड़ी नीचे टच नहीं हुई है। अगर स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा है तो हल्का सा टेढ़ा ऐसे करके गाड़ी निकालो, तो गाड़ी जिसको बोलो कि नीचे नहीं लगेगी। इधर वाली साइड में पर्पसली आया हूँ, यहाँ पे ना रोड टूटी हुई है, गड्ढा है बहुत ज़बरदस्त वाला, तो देखते हैं कि गाड़ी नीचे टच तो नहीं होती, मैं स्लो निकाल रहा हूँ। ये देखो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखो मैंने आराम से निकाली है, बट जिसको बोलो कि गाड़ी नीचे नहीं लगी। बाइक में जो फुटपैक्स दिए गए हैं वो नॉर्मल हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़े और टूरिंग वाले रिलैक्सिंग वाले फुटपैक्स चाहिए तो बड़े वाले फुटपैक्स एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो दोनों तरफ अपनी बाइक में, पीछे भी लगा सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट मेरे को तो ये ठीक लगे, बट कईयों को होता ना कि थोड़े से चौड़े चाहिए फुटपैक्स और कम्फर्ट के लिए, तो आप लगा सकते हो। सो इस रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियर को चलाते हुए मेरे को काफ़ी देर हो गई है, तो एक काम करते हैं चलते हैं घर और देते हैं अपना वर्डिक्ट इसकी पूरी परफॉर्मेंस राइड पे, कि बाइक चलने में मेरे को कैसी लगी। मिलते हैं डायरेक्टली आपको घर पे। तो आज जो ये राइड रिव्यू करा है ये थोड़ा सा मैंने सुबह करा है, मतलब मींस गर्मी होने से पहले पहले बनाया है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत हो रही है, पसीनों पसीन हो गया था मैं, थोड़ा टाइम लिया मैं, कह यार पसीना थोड़ा सा सूख जाए, देन आई विल गिव माई वर्डिक्ट ऑन दिस ब्यूटीफुल रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियर 650 जो मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से भेजेगी फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल मशीन। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सबसे पहले आते हैं इसकी सस्पेंशन की, शोवा की सस्पेंशन USD फोक्स फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड ने दी है, तो जैसे मैंने इसको गड्ढों में से निकाला है तो फ्रंट सस्पेंशन जो है वो अच्छी काम करी है, जो पिछली सस्पेंशन है वो भी अच्छी काम करी है, दैट इज एडजस्टेबल, मैंने दिखाई दिया है आपको वीडियो के अंदर, 5-step एडजस्टेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे बोलते थे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm की लो है, तो इसको मैंने स्पीड ब्रेकर से भी कुदा के दिखाया है, तो बिल्कुल आराम से निकली है। अगर आप प्लेन के साथ राइड करें तो वेट पड़ेगा बाइक के ऊपर और गाड़ी पीछे से बैठेगी, तो जब आप गड्ढों के बीच में से निकालेंगे या आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालेंगे तो आपको आराम से निकालना पड़ेगा ड्यू टू द ग्राउंड क्लियरेंस। मेरा वेट वैसे भी थोड़ा सा हैवी है, ऑन अ हैवियर साइड देख सकते हो, तो मैं तो चला रहा हूँ तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपकी सिटिंग पोजिशनिंग है वो बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में है और आप आराम से चला रहे हो, देखो वाइड हैंडल है एंड देन यू सिट ओवर हियर, यू सिट लाइक दिस, आप इसको कंफर्टेबली चलाते हो। बड़ी बाइक है और इसका कारण ये है कि इसका टर्निंग रेडियस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जो इसका पिछला टायर है 150 सेक्शन का वो अच्छा है, चिपक के चल रही है बाइक, जिस तरीके से इसको बनाया गया है ये लंबी बाइक है, बड़ी बाइक आप देख सकते हो। इसकी पीक टॉर्क जो है वो मतलब 5650 RPM पे आई जाती है एंड बट पिकअप इसकी अच्छी है, और लो एंड टॉर्क जो मैंने चेक करी है तो यार भारी बाइक है, देन आपको गियर निकालना ही पड़ता है जैसे गाड़ी की जो स्पीड स्लो होती है। और दूसरी बात करें ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग
देखेंगे इसकी लाजवाब है, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं, अगली 320 mm की, पिछली 300 mm की, विच इज़ गुड, ब्रेकिंग अच्छी है। हैंडलिंग की बात करते हैं, जब चला रहे हैं तो बाइक को आप जब इधर को लीन करते हैं मोड़ रहे हैं या इधर को लीन करते हैं मोड़ रहे हैं, अब आप बाइक को सीधा करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट फील होगा बिकॉज भारी बाइक है। मेरे को ज़्यादा फील हुआ क्योंकि मैं भारी बाइक चलाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ है। हाईवे पे इसको चलाइए और इसकी राइड का मज़ा लीजिए, बिकॉज जिस तरीके की आपको रिलैक्सिंग राइड देगा ये बाय मशीन, दिस इज़ अमेजिंग मैन। दो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी मेरे को कम लगी है, एंड अगर रॉयल एनफील्ड चाहते तो इसका थोड़ा सा टैंक बढ़ा करके इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 2-3 लीटर बढ़ा दे तो बहुत बढ़िया होगा। ओवरऑल तो मैं ये बोलूँगा राइड कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, और इस बाइक का कॉम्पिटिशन जो है 650cc सेगमेंट की अदर ब्रांड्स की बाइक के साथ है, आपको पता ही है, आई शुड नॉट बी सेइंग। पूछा इसलिए मारेगी क्योंकि दिस इज़ दी 2 सिलेंडर 650cc बाइक विद द लोएस्ट प्राइसिंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ। बाकी जो ब्रांड्स की सारी बाइक्स जो हैं इससे महंगी हैं, तो इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे है। एंड अगर इसके ऊपर आप एक्सेसरी लगा के मॉडिफाई भी करा लोगे तब भी फिर भी उनसे सस्ती ही पड़ेगी ये बाइक। जो चीज़ मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, बाइक में USB पोर्ट दी है, बट USB पोर्ट कहाँ दी है, वो बॉक्स में दी है जहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता। यार लगानी तो प्लीज़ यहाँ पे ऊपर बाहर लगाइए जहाँ से आराम से आप डिवाइसेस चार्ज कर सकें, बट दैट इज़ नॉट द प्लेस, वहाँ पे यूजेज ही नहीं है उसका, दैट इज़ माय पर्सनल थिंग, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर मैं ओवरऑल इसका राइड एक्सपीरियंस बोलूँ तो यार मेरे को तो मज़ा आया इसको चला के, एंड इट इज़ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन इन 650cc। जो भाई लोग लेजर राइड्स करते हैं और हाईवे पे ज़्यादा जाते हैं और अगर छोटी मोटी सिटी राइड भी करते हैं, दिस मशीन इज़ परफेक्टली मेंट फॉर देम। जो भाई लोग अपग्रेड करना मांग रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बिगर क्रूजर बाइक इन अराउंड 4.5 लाख रुपीज़ ऑफ बजट, दिस इज़ द परफेक्ट मशीन फॉर देम। डू विजिट द रॉयल एनफील्ड शोरूम, बाइक को देखिए, बैठ के देखिए, सीट कम्फर्ट देखिए, राइडिंग पोजिशन देखिए, एंड देन इफ इट टेस्ट राइड इज़ अवेलेबल डू टेक अ टेस्ट राइड ऑफ दिस मशीन एंड देन मेक योर ओन डिसीजन एज पर योर बजट। 3 मॉडल जैसे मैंने पहले बोला, जो बजट में फिट होता है आप वो मॉडल ले सकते हैं। तो अगर ये पूरा डिटेल वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन खुला है कॉमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे उनको जरूर शेयर करिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।